एकता इलेक्ट्रिकल डाइपोल है 30 डिग्री पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है ना, इट एक्सपीरियंस है टॉर्क 4 न्यूटन मीटर एंड द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। समझने की कोशिश करना, ये डाइपोल का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टेट में। अगर मेरे पास एक डाइपोल है, प्लस है और ये माइनस है, क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया हूं, तो एक्चुअली जो डाइपोल है वो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर है, तो मैं डाइपोल को हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर रख देता हूं। ये रहा मेरा हॉरिजेंटल वाली लाइन, ये रहा मेरा डाइपोल जो कि 30 डिग्री पर है, ये प्लस है और ये माइनस है, क्यों बराबर है, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो माइनस से प्लस होता है, पी वेक्टर। अब इस पे जो टॉर्क ये जो फील कर रहा है वो फोर फील कर रहा है, हम सबको पता है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो प्लस है, प्लस चार इधर लगेगा फोर्स रिपल्सन की वजह से, फोर्स की भी बराबर है, और इधर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा फोर्स की भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है तो प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस को जाती है, तो कहीं ना कहीं इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो ये माइनस और ये जो डाइपोल है उसका जो डाइपोल का माइनस है, हाँ डाइपोल का प्लस इधर है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कपल होते हैं और वो एक टॉर्क क्रिएट कर देते हैं, रोटेशन करा देंगे इसको। डाइपोल की इच्छा किधर होती है रोटेट करना, डाइपोल फ्रीली हमेशा रखोगे तो डाइपोल हमेशा, डाइपोल जो वेक्टर है पी ई के साथ हमेशा जीरो डिग्री पर रहना पसंद करता है, क्योंकि वही उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी अगर ऐसा रखा हूं तो डाइपोल ऐसे घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा, डाइपोल की मोमेंट कुछ ऐसे होगी और इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, टॉर्क भी निकाल सकते हो डायरेक्शन पी क्रॉस सी। चलो तो टॉर्क मैग्नीट्यूड दिया, टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, देख रहे हो P वेक्टर इधर है, E वेक्टर इधर है, P क्रॉस E क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में होता है वो होता है P cos थीटा। ओह कितनी बड़ी गलती कर दिया मैं, P sin थीटा, तो ये तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा, ये वाली चीज। अब कहता है चार्ज एंड डाइपोल, इफ द डाइपोल लेंथ भी दिया हुआ है, ये जो लेंथ है डाइपोल की ऑलरेडी मेंशन है इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो चार्ज निकालो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस को मैं बोलता हूँ और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। टॉर्क टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, पी को ब्रेक कर दो, पी क्या होता है डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो टॉर्क हो जाएगा वो आ जाएगा क्यू एल इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी टॉर्क टाउ वो एल ई साइन थीटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सारे वैल्यू रखना, कैलकुलेट करना, टॉर्क की वैल्यू 4 ऐसा बताया जा रहा क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एल की वैल्यू कितनी है देखो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर टू की पावर माइनस 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 2×10 की पावर 5 के इक्वल है, और साइन 30 1/2, तो ये 4 इसको कैंसिल कर दिया और ये 2 ऊपर चला गया, तो यह आ जाएगा 2×10 की पावर माइनस 3 कुलाम, दैट इज द चार्ज, मतलब क्यू इज इक्वल टू 2 मिली कुलाम, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, 2 मिली कुलाम दैट इज